number 1. Hi, I'm Pooja Jha, contestant number 6 from Platinum category. आप लोग कितने समय से इस कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? लास्ट 4 डेज. लेकिन 4 डेज तो लास्ट फिनाले का तैयारी कर रही थी ना, लेकिन इसके पहले भी आपने तैयारी की थी, तो क्या क्या आपको करना पड़ा, क्या क्या किस दौर से गुजरी? पहले एक पैजेंट कर चुकी हूँ, तो मिसेस महाराष्ट्र 2016 में, तो वो 2016 में किया था, उसे 4-5 साल हो गए थे. फिर सोचा और एक बार ऑडिशन दे दे, देखते क्या होता है, एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द फाइनल. अब कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत, मतलब बता नहीं पा रही हूँ मैं कितनी खुश हूँ. बहुत अच्छा है, मिसेस मोनिका शेख ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, हमारी कैपेबिलिटीज बाहर दिखाने का. आई वुड लाइक टू, वी कैन एक्चुअली शाइन. थैंक यू मोनिका फॉर दिस, एंड बिकॉज ऑफ मोनिका शेख आगे हमारी पहचान, आज हमारी पहचान मोनिका शेख ने वापस बनाई है. पूजा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जैसे कि मैंने बोला, मिसेस मोनिका शेख, इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए दिया है टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज़. हम लोग हर एक अपनी फील्ड में अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट देन ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम आगे पूरी सोसाइटी में दिखा सकते हैं कि व्हाट वी हैव अ कैपेबिलिटी. थैंक यू. थैंक यू. हाय, आई एम हेतल काला, फर्स्ट रनर अप इन द प्लैटिनम कैटेगरी. हाय, आई एम विनीता कर, फर्स्ट रनर अप इन द गोल्ड कैटेगरी. विनीता और हेतल, आपको कैसा फील हो रहा है ये क्राउन जीतने पर? बहुत ही अच्छा, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है. वी आर सो हैप्पी, वी आर सो एक्साइटेड, और एक कंप्लीट एक नया एहसास है. इतने सारे कैमराज है हमारे सामने, हमें लाइव कवर कर रहे हैं, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन आवर जर्नी अप टिल नाउ. हेतल, आपको कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग एक्चुअली, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, ये पहली बार कर रही हूँ. अभी आगे की तैयारी क्या है? अभी तो पहले आज की रात गुजरे फिर आगे की तैयारी. ऑफ रनिंग मिसेस इंडिया 2019 फ्रॉम गोल्ड कैटेगरी. मेरा नाम मधुषा है और मैं प्लैटिनम कैटेगरी से विनर हूँ रनिंग मिसेस इंडिया 2019 में. मेरा नाम प्रेमा पाटिल, मैं रनिंग मिसेस इंडिया 2019 की विनर हूँ. मैम, आपका क्वेश्चन प्लीज. मेरा नाम मधुषा कातरे है, मैं पुणे से ही बिलोंग करती हूँ, और मैं रनिंग मिसेस इंडिया की विनर हूँ प्लैटिनम कैटेगरी. आपको कैसा फील हो रहा है ये क्राउन जीतकर? इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते. एक्चुअली हम दोनों एक साथ इसी होटल में एक रूम में रह रहे थे, रूम शेयर किए, और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों ही विनर रहेंगे. हम बैठ के यही डिस्कस करते रहते थे कि हम लोग सिर्फ मस्ती मजा करने आए हैं, बाकी बात ही सेटिंग नहीं हुई थी कि दो रूम में. नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम फेयर गेम चला. अच्छा प्रेमा जी, एक सवाल आपसे, आपके सुना पुलिस ऑफिसर है, आप क्या हैं जरा बताएंगे आप? मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, फिलहाल मैं कमिश्नर ऑफिस में काम कर रही हूँ. कैसा लग रहा है पुलिस की सेवा करते करते अचानक फील बन गई आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ये मेरी जर्नी रहेगी परेड मार्च से कैटवॉक तक. अगले तक मेरे हस्बैंड को साथ में ही है, तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, और साथ ही में मेरे बच्चा, मेरी ससुर माँ और मेरे ससुर ने बहुत सपोर्ट किया. कोई रोल मॉडल आइडल है? तो मेरे हस्बैंड से ही हुई हूँ, तो उनका ही नाम लेना चाहते हैं, विघ्नेश पाटिल. मनु जी, आपका क्या है फ्यूचर, आपकी क्या तैयारी है, आप इसके आगे क्या करेंगे? अभी इसके आगे हम दोनों एक्चुअली सोच रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल पेजेंट्स करना चाहेंगे, हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे. बराबर है, हम उसी के फिर से आई. बॉलीवुड में इस बार अभी फिलहाल तो मैं किसी का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरा ड्रीम इज कम्प्लीट करने की, एक बार मुझे जानकॉप करना था. तो
मोनिका शेख का रेकनिंग मिसेज इंडिया 2019 का आज फिनाले है जो पुणे में ऑर्चिड होटल में हो रहा है और मैं बॉम्बे से स्पेशली एज ए ज्यूरी फॉर ये इस पेजेंट के लिए आया हूँ और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से बेस्ट 5 को चुना जाएगा। देखिए कौन लकी वो 5 होती हैं। मोनिका शेख को आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोनिका शेख का प्रयास बहुत अच्छा है। वो हमारे एक पेजेंट की विनर थी 3 साल पहले और उसने अपना ये प्लेटफॉर्म बना के और आज उसका पहला सीजन शुरू हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। उसने जितनी प्रोग्रेस की है, गॉड ब्लेस हर एंड गिव ऑल द सक्सेस फॉर दिस पेजेंट एंड कमिंग ईयर्स। Hi everyone, my name is Priyanka Kormukar and I belong to West Bengal, from Kolkata actually. So, आज यहाँ पे आने का रीज़न यही है कि आज देखने का ये कि जो भी लेडीज़ है वो क्या अपने आप को क्या प्रूव करते हैं क्या नहीं, एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सके, सबको प्रूव कर सके कि वो क्या है, राइट? एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे एक्चुअली कि ऐसे एक आफ्टर शादी लड़की लोगों को मौका मिला है ये सब करने के लिए जहाँ पे लोग अपने एज के हिसाब से स्टॉप हो जाते हैं एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया ग्रैंड फिनाले का अपॉर्चुनिटी है। दैट्स ऑल। हाउ मच एक्साइटमेंट यू आर फॉर दिस इवेंट? सो वेरी एक्साइटमेंट यार, क्योंकि एक तो आफ्टर मैरिड लाइफ घर बच्चे पति इतना कुछ हो जाते हैं कि फोकस नहीं होता है अपने आप के ऊपर, राइट? सो ये मौका है कि अपने आप के ऊपर फोकस करने का जहाँ पे आप खुद को पहचान बना सकते हो, सबको दिखा सकते हो कि आप ये कौन हो। यहाँ पे तो ग्रैंड फिनाले होने वाला है, सबको किसी एक को क्राउन मिलने वाला है जो अपने आप को प्रूव कर सकेगा यहाँ पे कि वो कितना बेस्ट है, तब जाके पता चलेगा कौन क्या है कौन। So, नहीं सी मैं तो यहाँ पे एज ए गेस्ट आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए मैं कैसे रैप कर सकती हूँ। आज का ये इवेंट एक हमारी विनर है वहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और हम लोग यहाँ पर एज ए जूरी हैं। आपके साथी जूरी मेंबरों का क्या परिचय कराइए हमारे मीडिया से। मेरे साथी जूरी मेंबर सिद्धांत सिंह सूर्यवंशी, वेल नोन एक्टर एंड अलिसिया रामबर्ग ट्रेनर। ओके चलो मैं बोल देती हूँ। जी मेरा नाम मनीष राउत है और मैं पिछले 20 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ और अभी शो डायरेक्टर भी हो गई हूँ। यस आई एम मिसेज माई सेल्फ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मिसेज के लिए कोई कॉन्टेस्ट होता है, उनको वो अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए मौका मिलता है। सो जजिंग करने के लिए थैंक यू एंड आई होप कि उनको मज़ा आया है जितना हमें अभी मज़ा आएगा उनको जजिंग करने में। इन्होंने सब कुछ बोल दिया, मैं क्या बोलूँ। It's just a pleasure to be here, reigning Mrs. India, जो organizers है मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। सारी contestants यहाँ पर खड़ी है, quite excited and eager, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें wait ना कराएं। I'm looking forward to this show and I'm sure the winner will be someone really gorgeous and someone who's good enough to represent India on a global platform. Thank you. And thank you for coming, was आपके बिना ये possible नहीं। Thank you. हम लोग host करेंगे event. ज्यूरी नहीं, हम लोग होस्ट हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि रेनिंग मिसेज इंडिया के होस्ट हम लोग हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट इनका बेसिक एम है जिसकी वजह से ये इवेंट शुरू किया गया। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड मोर देन दैट आई एम एक्साइटेड टू होस्ट द इवेंट विद आरती। वी हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम लेकिन हम लोगों ने काम नहीं किया कभी, तो ये पहली बार हम काम कर रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो उस बात का भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी। और मैं तो पिछली बार भी सिद्धार्थ के साथ होस्ट करी थी, उनसे बहुत कुछ सीखा, इस बार इनसे सीखूंगी इम्प्रॉम्प्टू कैसे करते हैं सब कुछ। सो ऑब्वियसली एक्साइटेड और डेफिनेटली जो घर पे हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए ये मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट है। सो बहुत आपका बूस्ट होता है, आपका अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्टेप दैट इट्स बीन टेकन एंड और जो भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब पूना नासिक ऐसी जगहों से हैं, सो ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। वो
बहुत बड़ा राज खोलता हूँ मैं यहाँ पर कि नर्वसनेस की तो बात मुझे पता नहीं, लेकिन एज सच देर इज़ नो रिटन स्क्रिप्ट। पहली बार मैं एक ऐसा शो होस्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, मैं खुद सब कुछ ऑन स्टेज इम्प्रॉम्प्टू होने वाला है, तो उस बात के लेकर मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। हम लोग इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि अच्छा होगा। हाँ, मेरे पर प्रेशर है अगर तो सिर्फ एक चीज़ का कि मुझे एंडी को मैच करना है, सिद्धांत सूर्यवंशी को मैच करना है, जो अब तक ये इवेंट होस्ट करते रहे, जो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, बड़े भाई की तरह मानता हूँ, बहुत काम किया मैंने उनके साथ, सो आई हैव टू मैच अप टू हिम। तो वो सिर्फ उस बात का थोड़ा सा मुझे प्रेशर है, बाकी आई एम रियली हैप्पी एंड आरती है ना ये सब संभाल लेंगे। मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ ऑनेस्टली, मैं थी थोड़ी सी हाइपर थोड़ी देर पहले, बट नर्वस नहीं हूँ बिकॉज वी आर एक्टर्स, एवरीबडी इज एक्साइटेड टू सी अस। आई थिंक कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो सब संभाल लेंगे, सभी लोग गलतियाँ करते हैं, हाँ इंसान गलतियों का पुतला है, सो हम गलतियाँ करेंगे, उसे संभाल भी लेंगे, सो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग। और हम बोल सकते हैं हमने खुद किया है सब कुछ, सो इट्स गोना बी अ नेचुरल होस्टिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप नॉर्मली कम्युनिकेट करते हो, सो आई थिंक इट्स गोना बी फन। First of all, this is me, Dani Shalpa, singer composer. Here we have lucky dancer in the house, Nisha Gura again. Or Hrithik Chauhan, the youngest music director, Ansh, hamare influencer, aur hamare sir, Rakesh Sabrawal. So finally, we are here. मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार, और इससे पहले जो इवेंट हुआ था, जो फैशन शो हुआ था, इट वॉज़ वेरी नाइस और मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं हमेशा मोस्टली इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, और जो वुमेंस को लेके ये जो शो हो रहे हैं आगे जो चल रहे हैं, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे शो होते रहें, हम लोग ज्वाइन करते रहें, हम लोग सपोर्ट करते रहें। और सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि आज हमारा एक गाना, मेरा एक गाना लॉन्च हो रहा है जिसका टाइटल है तेरे रास्ते में, जिसको मैंने गाया है, कंपोज हम दोनों ने किया है, ऋतिक और मैंने, जिसमें श्रेया जैन सिंगर है मेरे साथ, और ऑइट स्प्रिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें फीचरिंग कर रहे हैं। तो गाना बहुत इमोशनल लव स्टोरी और थ्रिलर, बहुत सस्पेंस भी है, तो गाना आप लोगों के सामने चलाया भी जाएगा, आप लोगों को दिखाया भी जाएगा, तो उसके लिए हम सो एक्साइटेड। बाकी तुषार के लिए ऑल द बेस्ट, और मोनिका के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बाकी इन लोगों से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और कंटेस्टेंट्स को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और लेट्स सी कौन जीतता है, बहुत ही अच्छा होने वाला है ये शो, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर।